इट हैपेंस। तू बनाए खड़ा है? अनाथ हूँ ना इसलिए। अरे एक शॉट में कंसीव किया दिवाली और मैंने तुझे यार। तो मैं अपने बच्चों को कब कंसीव करूँ पापा? तो हेलो दोस्तों, बॉलीवुड अब अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ रहा है। ढेर सारे फ्लॉप्स और ढेर सारे रीमेक्स और ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती करवा के, जी हाँ, मास सिनेमा रीमेक वुड के बाद अब रोमांस, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जैसी फिल्में दोबारा देखने को मिलने लगी हैं। और यह बॉलीवुड का प्लस पॉइंट होता है कि एकदम से ऊपर उठने का। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी एक बार फिर आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। दोस्तों जब भी ये जोड़ी एक साथ आती है, बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर जाती है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम भूल भुलैया 2 में पहले ही देख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर आ चुका है। म्यूजिकल रोमांस और लव रोमांटिक कॉमेडी से भरपूर फिल्म जिसमें तू झूठी मैं मक्कार की तरह खलबली मचा दी है। यस, डायरेक्टर समीर विध्वंस के डायरेक्शन में बनने वाली मसालेदार तड़के से भरपूर फिल्म सत्य प्रेम की कथा एक अजब गजब लव स्टोरी पर निर्भर फिल्म है, जिसमें आज के इस मॉडर्न जमाने में लड़की की तरफ से एक प्योर लव बॉन्ड दिखाने की कोशिश करी गई है। बता दूं तो दोस्तों, इस म्यूजिकल रोमांस फिल्म को बनाने में लगभग 50 से 60 करोड़ का जबरदस्त खर्चा आया है। बाकी कास्ट में आपको मेन लीड में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगी। सपोर्टिंग कास्ट में भी आपको दमदार चेहरे सुप्रिया पाठक, गजराज राव जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। दोस्तों मूवी का कंटेंट मुझे तो बहुत दमदार लग रहा है। मूवी बहुत रोमांचक और चटपटी होने वाली है, जिसमें एक सीधा सा 25 साल का लड़का शादी करने के लिए एक सुंदरी तलाश में होता है, फिर उसे मिल जाती है कियारा आडवाणी और वो उसके रंग रूप का हो जाता है दीवाना, मतलब हमारे कार्तिक भैया। फिर क्या पूरी मूवी बस इसी में होने वाली है? मोस्टली वन साइडेड लव स्टोरी का एंगल देखने को मिलेगा, जिसमें कार्तिक उर्फ हमारे हीरो भैया हीरोइन को जैसे तैसे इंप्रेस करने के लिए ढेर सारे पापड़ बेलेंगे, और सम टाइम अपनी हीरोइन को इंप्रेस करेंगे तो सम टाइम हर्ट भी करेंगे। कुल मिला के कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन सब कुछ भर भर के मिलने वाला है इस छोटे से पैकेज पर। और ये जोड़ी वैसे भी काफी फेमस है पब्लिक में, और ये कुछ ना कुछ धमाका तो कर ही जाते हैं जब भी एक साथ बड़े पर्दे पर उतरते हैं। बात करें कि फिल्म कितनी कमाई कर सकती है, दोस्तों मूवी एवरेज ही ट्रेंड करेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ का आंकड़ा जरूर टच कर लेगी, और अपनी लागत अपना बजट तो मूवी कवर कर ही लेगी, क्योंकि इस तरह के कंटेंट पहले भी मार्केट में कई बार आ चुके हैं। लाइक इसमें थोड़ी सी बूथ तू झूठी मैं मक्कार फिल्म की भी आ रही है। दोस्तों एक्चुअल में मूवी कैसी होगी वो तो 29 जून को ही पता रहेगा, क्या वाकई में हिट होगी या फ्लॉप, लोगों को ये थोड़ा सा हटके कॉन्टेंट पसंद आता है या नहीं। बाकी अगर आप लोगों ने भी ट्रेलर देख लिया है तो ट्रेलर आपको कैसे लगा? दूसरा, कार्तिक और कियारा की ये जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।